देखिए दोस्तों, आज अपने 11 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे, वो भी मात्र 3 सेकंड में। आप एक बार कर लीजिए, गणित को जितना आप ट्रिक विधि से करेंगे उतना ही आप उसमें समय बचा सकेंगे। जिस प्रकार मैं 11 से 100 तक की, सबसे पहले मैं 98 का करता हूँ। 98 का वर्ग, इसका वर्ग करने के लिए देखिए, ये 98, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, इसका वर्ग करिए 8 8 64, इसका वर्ग करिए 99 81, हो गया। दोनों का वर्ग कर दिया अलग अलग। अब देखिए, ये 9 गुणा 8 गुणा इसको 2 से करना है, यानी इन दोनों संख्याओं में गुणा और उसको 2 से गुणा। 8 ने 72, 72 दूना 144, हो गया। ये इकाई का अंक खाली छोड़ देना है इसका, यहां से लिखना शुरू करो। 4 4 1, 4 6 4 10, 4 1 5 1 6, 8 1 9, ये हो गया। दूसरा देखिए, अपने 56 का करते हैं वर्ग। 56, दोनों को तोड़ लीजिए, इसका वर्ग कर दिए 6 6 का 36, इसका वर्ग करिए 5 5 25। अब देखिए, अब ये 5 गुणा 6, यानी इन दोनों को गुणा करना है और फिर 2 से गुणा करना है। 6 5 30, 30 दूना 60, हो गया। ये इकाई का अंक छोड़ देना है, इकाई का अंक को छोड़ देना है, उसके बाद में लिखना शुरू करना है। 0 6 6 3 6 5 11 2 1 3, 31 36, ये आ गया। इसी प्रकार अपने 44 का करते हैं वर्ग। तो 4 4, ये तोड़िए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, थोड़ा नजदीक लिख देता हूं मैं इनको। अब देखिए, अब इन दोनों गुणा करना है, 4 गुणा 4, दोनों गुणा कर लिया, फिर इसको 2 से गुणा करना है। 4 चौके 16, 16 दूना 32, अब आ गया इसका, आ गया 32, 32 को इकाई का अंक छोड़ देना है और यहां लिखना है 2 3 6 3 9 1, ठीक। इसी प्रकार अपने 38 का करते हैं 38 का वर्ग। बड़ा ही सरल है, देखो आपको मात्र 2 2 सेकंड लगे, 8 8 64, 3 3 9, हो गया, 3 8 24, 24 2 48, इसको छोड़ दो यहाँ खाली, और ये जो 48 आया है इसको यहाँ और यहाँ जोड़ दीजिए। 4 8 6 14, 9 4 13, और 1 14, 14 44। इसी प्रकार अपने किसी का भी कर सकते हैं। अब मैं करता हूं 68 का, कर दिया क्या 68 का, ये 6 8, ये करिए 8 8 64, 6 6 का 36, इन दोनों गुणा करो, 6 गुणा 8 गुणा 2, 8 6 48, 48 दूना 96, इसको छोड़ दो, इस इकाई के अंक को खाली छोड़ दो और यहां से लिख दो 4 6 6 12, 9 6 15 1 16, 3 1 4, ये आ गया। कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन एक ध्यान रखना है आप, ये देखिए, जिस प्रकार अपने 22 का वर्ग करना है, 22 का वर्ग, इसमें ध्यान रखिए, ये 2, ये 2, 2 2 4, ये भी 4, लेकिन ध्यान रखना है इसको सिंगल अंक नहीं छोड़ना है, डबल डिजिट करना है। डबल डिजिट करने का मतलब यहाँ एक जीरो लगा दो, डबल डिजिट मतलब ऊपर वाला जो इकाई के अंक का वर्ग करते हैं उसको सिंगल डिजिट नहीं छोड़ना है, डबल डिजिट कर दो, और फिर ये 2 गुणा 2, और इनको फिर 2 से कर दो, 2 2 4, 4 2 8, इस इकाई के अंक के छोड़ को जोड़ दो, 4 8 4। अब जिस प्रकार अपने 11 का करना है, तो 11 का करने के लिए 11 का स्क्वायर, ये 1 का वर्ग करो, इसका करो, 1 का वर्ग करोगे 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला 1 है पहली इकाई के अंक वाले का वर्ग डबल करना है, डबल करना मतलब डबल डिजिट में लिखना है, तो डबल जीरो और तो नहीं जोड़ सकते अपने, इसके साथ में 0 लिख देते हैं, हो गया। 1 को 1 से करो और फिर इनको 2 से करो, यानी इन दोनों के गुणा को दुगुना करना है, 1 अंक में 1 2 2 आगे, ये जोड़िए 1 और 2 1,
इसी प्रकार अपने 12 का करते हैं, देखिए 12 का वर्ग, तो 12 इसका वर्ग है, ये 2 × 2 = 4, 1 = 1, लेकिन इसको डबल डिजिट बनाना है, 0 लगा दो क्लास में, 1 × 2, इन दोनों गुणा करो, फिर इसको 2 से गुणा करो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, अब इकाई के अंक को छोड़ करके 4 को जोड़ दो, 4 × 4 = 1, आया कि नहीं आया। इसी प्रकार अपने बहुत से अंकों कर सकते हैं, 100 तक के कितने भी अंकों का कर सकते हैं, आपको कितने सवाल कर दिए अपने मात्र 5-5.5 मिनट में। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।